कुछ नहीं से सब कुछ तक बस इतनी सी तो दूरी है, हार ना मानना तू कभी, बस लगन होनी जरूरी है। मैं सरिता दिल्ली से। लगन की वाकई हर काम में बहुत ज़रूरत होती है, बगैर लगन कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे ही लगन लगाई है हमारी डॉक्टर कल्पना सिंह ने, जो अपनी दो बेटियों के साथ अपने पति के साथ कंट्री साइड में रहती हैं, बोले तो शहर और गांव के मुहाने पर एक सेतु बनकर। पेंटिंग, डेकोरेशन, फार्मिंग और गार्डनिंग का शौक है इनको, और इसकी सभी शौक को पूरा करने के निश्चय ने ही इन्हें वहाँ कंट्री साइड में रहने के लिए प्रेरित किया है। प्रैक्टिस भी करती हैं अपने डॉक्टर की, खेती भी करती हैं, खाद वगैरह भी इन्होंने घर में बनाना शुरू किया है किचन वेस्ट से। इसके अलावा अपने डॉक्टर की तो प्रैक्टिस करती ही करती हैं, और इनका कहना है कि जब मेरे क्लिनिक में पेशेंट नहीं होते हैं तो मैं अपने बच्चों जैसे और अपने दोनों बेटियों के साथ इन पौधों की देखभाल करने के लिए क्लिनिक से उठकर सीधे गार्डन में चली जाती हूँ। और इसके अलावा इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला के साथ साथ, फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही हैं, तो बहुत अच्छा नृत्य का भी प्रशिक्षण वो उन्हें दे रही हैं। तो चलिए आज हम सब मिल करके चलते हैं कल्पना सिंह के क्लिनिक में, ना 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 क्लिनिक में नहीं, उनके गार्डन में, जहाँ वो कुछ काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं, चलिए ना हम सब मिल करके देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं डॉक्टर कल्पना के इस छोटे से बगिया में, उनके गार्डन में। ये क्लिनिक से उठ करके सीधे सीधे यहाँ आ गई हैं, और अभी अभी इन्होंने ताज़ा तरीन बहुत सारे प्लांटर ख़रीदे हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, और डिज़ाइनर प्लांटर भी पीछे में दिख रहे हैं, कुछ डक बने हुए हैं, कुछ रैबिट बने हुए। तो इसे अभी क्लिनिक से उठ के सीधे आई हैं और उन्हें तरतीब तरीके से रख रही हैं ताकि इन्हें समय मिलते ही सब प्लांट्स को रिपॉट कर सकें। और मैं बैठी हुई हूँ अपने गार्डन में और मोर की आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही होगी। एक एक प्लांटर को सही ढंग से रख रही हैं और निश्चित कर रही हैं कि कौन सा प्लांट जो है किस प्लांटर में मुझे लगाना है, और उसी की तैयारी में लगी हुई हैं। कहती हैं कि सब सारी चीज़ों के साथ में जिस प्लांट को जिस प्लांटर में लगाना होता है उसके साथ रख देती हूँ तो बहुत आसानी होती है। और अब चलते हैं आगे। अब डॉक्टर कल्पना हमें लेके आ गई हैं अपने इस फाउंटेन के पास, जिसे थर्मोकोल से इनके हस्बैंड ने, इनके पति देव ने बनाया है। कहते हैं ना, कोई भी गार्डन में अगर कल कल छल छल झरने की आवाज़ नहीं आती हो ना तो थोड़ा अधूरा सा लगता है, और ये पूर्ण करता है इनके इस गार्डन को। अब धीरे धीरे कल्पना जी अपने गार्डन में आगे की ओर हमें लेकर के चल रही हैं। ये देखिए, उन्होंने पेंटिंग की बात की थी, ये पेंटिंग उन्होंने खुद से ही ये किया है, पूरे गेट पे बनाया है। और इसके अलावा कहती है कि एयर प्यूरीफायर जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें मैंने अपने गार्डन में जगह दी है और उसको इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हमें मिलता रहता है। और मैं अपने छोटे बच्चों को भी ये सिखाती रहती हूँ, जो हमारी दोनों बेटियाँ हैं, कि वो भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट ले। और इसी की वजह से दोनों को नृत्य का जो प्रैक्टिस मैं करवाती हूँ अपने गार्डन में, मैंने एक आर्टिफिशियल ग्रास रखा है वही ला कर के करवाती हूँ। और कुछ ही दिन पहले उन्होंने वॉल पेंटिंग करवाई थी, उसके जो रंग है वो नीचे गिरे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि इसे इग्नोर करिएगा प्लीज़। और DIY की बात जहाँ तक की थी, तो हमने वो फाउंटेन दिखाया जो डॉक्टर कल्पना के हस्बैंड ने वो DIY करके फाउंटेन बनाया था, और कुछ कुछ खुद भी ये DIY करती रहती है, जो बीच बीच में आपको दिखाई देती रहेगी वो सारी चीज़ें, जैसे बॉटल्स को कट करके इन्होंने कुछ प्लांटर बनाए हैं, उस पर कुछ पेंट किया है। और जैसे कि ये एक नीम का दरख्त है जिसे इन्होंने अपने आंगन के बिल्कुल बीचों बीच ही लगाया है, और वहीं पे उन्होंने ये झूला लगाया है। इस झूले पे ये कहते हैं कि हम, ये देखिए 5 कुशन उन्होंने दिखाया, फिर 5 कुशन रखे हुए हैं, और हम फैमिली के 4 मेंबर हैं, यहीं आकर के बैठते हैं और शाम के वक्त अपना शाम यहीं पे गुजारते हैं हम सब, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, अब वो अपनी DIY की तरफ ले आई हैं, जो उन्होंने प्लास्टिक के बॉटल को कट करके ये प्लांटर बनाया है, और इसमें गिलोय का ये पौधा लगाया है। और ये खुद ही दिखा रही है कि देखिए, इसमें 9 o'clock पोटुलाका का ये प्लांट लगाया है, और इसे इन्होंने बॉटल के अपर पोर्शन को कट करके उसमें पेंटिंग की थी। इस तरह से घर में जो भी जैसे कोई कैसरोल है,
बोल है, इस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, उन्हें ला करके उन्हें लगाया है। लेकिन ये जैसा कि आपने शुरू में ही देखा कि बहुत सारे अभी नए नए प्लांटर लेके आ रही हैं डिज़ाइनर। और ये देखिए, इन्होंने नारियल का जो खाली वाला पोर्शन बच जाता है उसमें उन्होंने ये प्लांट लगाया है। ये भी बॉटल है, और मैक्रमे भी इन्होंने खुद अपने हाथ से ही बनाया है। वो रस्सी आती है ना पतली वाली, सुतली जिसे कहते हैं, उसी से बनाया हुआ है। और ये एक हार्पिक का बॉटल था, उसको भी इन्होंने किया है। और ये इन्होंने आज बनवाया है, ये देखिए लोहे का, और ये इनका सेंटर पीस है इनके गार्डन का। एक तो वो दरख्त उन्होंने लगाया है ना, जहाँ पे उसके सराउंडिंग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, और यहीं वो फाउंटेन रखा है इन्होंने। और ये वाला जो आज इन्होंने बनाया है, इसके ऊपर पूरा आप देख रहे हैं कि बोगनवेला का प्लांट दोनों तरफ से इन्होंने लगाया है, और उसकी बेल ऊपर को चढ़ाई है। रोज़ इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो कहती हैं कि अभी मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो रोज़ जो है बच नहीं पाते हैं। और एलोवेरा बहुत सारा इन्होंने लगाया है, एलोवेरा है, तुलसी है, और आपको गिलोय का पौधा मैंने दिखाया, ये लालसा का पौधा है। तो मेडिसिनल वैल्यू वाले जितने सारे प्लांट्स हैं ना, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने दी है। ये देखिए गिलोय की बेल कितनी खूबसूरती से इन्होंने पूरे अपने किचन की खिड़की है उसके साथ लगा के रखा है, और बच्चों की खिड़की पे भी लगा के रखा है। जब किचन में काम करने आती हैं, अगर ज़रूरत हो तो वो किचन से हाथ बढ़ा के गिलोय की डंठल और ये काढ़ा वगैरह बनाने के लिए वो निकाल लेती हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही उन्होंने मेहनत की है अपने गार्डन में। और हर इंसान के जो कल्पना होती है, वो कल्पना अलग अलग होती है, अपनी कल्पना के अनुसार वो अपने हर चीज़ को एक नया रूप देता है। और इनकी कल्पना कहाँ कहाँ तक जाती है, डॉक्टर है, प्रैक्टिस भी करती रहती हैं, और फिर घर को संभालना, और फिर इन सारी चीज़ों में अपनी कलाकृति को समाहित कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक जिम्मेदारी होती है, घर में जो कोई भी सारा हेड होता है परिवार का, उसकी जिम्मेदारी होती है। और ये देखिए, अब ये दूसरी साइड में ले आई हैं, कितने अच्छे से इन्होंने वॉल हैंगिंग वगैरह बनाया है। और ये देखिए कैक्टस इन्होंने लगाया है, इस कैक्टस का नाम मुझे नहीं मालूम है। और सबसे पहले ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अपने साथियों से बता देती हूँ, ये देखिए डेविल्स बैकबोन का ये प्लांट है, और ये है सेंसेवेरिया है, और ये अपराजिता का प्लांट है पर्पल कलर का। देखिए दो फूल इसमें खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है कि उन्होंने सोच के भी लगाया हो, नहीं भी सोचा, बट जो इनके गार्डन का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अलग प्लांटर में एक ग्रीन प्लांट बड़ा सा लगा है, उसके नीचे उन्होंने पर्पल हार्ट लगाया हुआ है, तो वो देख के बहुत ही अच्छा। ये कोचिया का प्लांट है, और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। और कुछ प्लांट्स फास्टली मूव कर जाते हैं, तो मैं उतना पहचान नहीं पाती हूँ, ये टच मी नॉट है शायद, या फिर कोई और भी प्लांट हो सकता है, वो तो डॉक्टर साहब बताएंगी। हाँ, यहाँ पे मैं अपने साथियों से ज़रूर बताना चाहूँगी, ये चीज़ें जो मैं प्लांट्स देख पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, क्योंकि हमारी मुलाकात जो है, हमारी बातचीत हमारे सब्सक्राइबर मित्रों से नहीं होती है, जो अपने वीडियोस बना के मुझे भेजते हैं, जो सेंड करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भेज देते हैं वीडियो बना के, फिर उसमें मैं वॉइस ओवर करती हूँ और एडिटिंग करती हूँ। ये देखिए इन्होंने जेट का प्लांट, छोटे से ये दही के का जो आता है बर्तन ना, प्लास्टिक पॉट, उसमें लगाया हुआ है। और वही वो दिखा रही हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है वो वेस्ट नहीं होने देती हूँ, उसका बहुत ही अच्छा मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने गार्डन में। तो साथियों, हमें ये कह रही थी कि अगर हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनका खुद का चैनल है, और वो सब मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरिता जी, मेरे वीडियो को भी आपने चैनल पे दिखा दिए, तो प्लीज़ मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं उन्हीं अपने सब्सक्राइबर मित्रों को के वीडियोज़ डाल रही हूँ जिनका कोई चैनल नहीं है। तो प्लीज़ मैं उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ जिनका चैनल है, क्योंकि ये मेरा प्रमोशनल वीडियोज़ नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि जो हमारे साथी हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे, और जो साथी सिर्फ शौकिया तौर पे गार्डनिंग कर रहे हैं वो मुझे वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए, आप सब कब ये बताने का और कमेंट करने का टाइम आ गया है कि डॉक्टर कल्पना का गार्डन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा।